प्रभातखबर.com विश्वास वही रफ्तार नई। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सांसद सह पूर्व झारखंड प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मण गिलवा का निधन हो गया है। वो 57 साल के थे। गुरुवार रात 2:10 में टाटा मोटर्स अस्पताल जमशेदपुर में उन्होंने अंतिम सांस ली। यहां बता दें कि बीते 21 अप्रैल को कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आने के बाद उन्हें टाटा मोटर्स हॉस्पिटल जमशेदपुर में दाखिल कराया गया था, जहाँ शुरुआती इलाज में उन्हें खुद की पार्टी का साथ नहीं मिलने की बात सामने आ रही थी। लेकिन बाद में पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास के समर्थकों ने एक वीडियो बनाकर सोशल मीडिया में इस बात से इनकार किया। साथ ही उन्होंने हर तरह से इलाज उपलब्ध कराने की बात कही। वहीं बताया जा रहा है कि उन्हें अस्पताल में रेमडेसिविर इंजेक्शन की जरूरत थी, लेकिन वो इंजेक्शन उन्हें नहीं मिल रही थी, जिसके बाद बहरागोड़ा विधायक कुणाल सारंगी ने ट्वीट कर इंजेक्शन उपलब्ध कराने की मांग की, जिसके बाद उन्हें इंजेक्शन उपलब्ध हो सका था। टाटा मोटर्स अस्पताल में ही उनका इलाज चल रहा था। इस दौरान कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग में चक्रधरपुर के उनके घर में रहने वाले सभी सदस्यों का कोरोना वायरस जांच 23 अप्रैल को किया गया था, जिसमें परिवार के 6 सदस्य पॉजिटिव पाए गए थे। सभी 6 सदस्य वर्तमान में होम आइसोलेटेड हैं। बता दें कि 16वीं लोकसभा में 2014 का चुनाव उन्होंने जीता और फिर सांसद चुने गए। 2 बार सांसद और 2 बार विधायक बनने के बाद 2018 में उन्हें झारखंड प्रदेश भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष चुना गया। राजनीति की शुरुआत में वो चक्रधरपुर प्रखंड अध्यक्ष और पश्चिमी सिंहभूम जिला भाजपा अध्यक्ष भी रहे थे। प्रभातखबर.com विश्वास वही रफ्तार नहीं।